हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपको मेरे तरह कैनोपी पसंद है और आपके बजट भी मेरे तरह लिमिटेड है, तो आप कैसे घर पे कैनोपी बना सकते हो, आज के वीडियो में मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे आप घर पे कैनोपी बना सकते हो। सिर्फ आपको 3 to 4 आइटम्स लगेगा और आपकी जो ड्रीम कैनोपी है वो बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साइड पे एक बेल आइकन आएगा, उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैनोपी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर हुला हूप, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये मैंने अमेजन से परचेज किया था और ये लार्ज साइज में मैंने परचेज किया था, तो मुझे इतना लार्ज साइज में नहीं चाहिए था। तो इससे इसमें से जो पार्ट था, तो मैंने दो पार्ट को निकाल के ये थोड़ा सा मीडियम साइज में मैंने किया है। आप इसको जैसे आप चाहे उस साइज में बना सकते हो, क्योंकि इसका जो पार्ट्स है ना वो डिटैचेबल है। नेक्स्ट आपको लगेगा फैब्रिक, ये मैंने लिया है नेट की फैब्रिक। ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था, जितना मुझे हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो नेट की फैब्रिक की जगह कोई दुपट्टा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 नेट की फैब्रिक लिया है। सो गाइस, नेक्स्ट आपको लगेगा उल्स। तो मैंने यहाँ पर लिया है डीप पिंक कलर की एंड लाइट पिंक कलर की उल्स। आप चाहे तो आपकी कलर के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो उल्स। आप चाहे तो ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर या फिर पर्पल कलर की उल्स ले सकते हो। मुझे पिंक कलर की चाहिए था, तो मैंने इसलिए पिंक कलर की उल्स लिया है। और मैंने लिया है उल्स की टैसेल्स, या ये जो टैसेस आप देख पा रहे हो, ये मैंने घर पे बनाया है। आप चाहे तो घर पे बना सकते हो, आप चाहे तो ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप टैसेस बना सकते हो उसको यूज़ करके। मैंने इस वीडियो में नहीं वो दिखाई आपको कि कैसे आपको टैसेस बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है सबको पता है। अगर आपको नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी कि कैसे आप घर पे टैसल्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बनाई है 8 टैसल्स। नेक्स्ट मैंने लिया है सुई धागा। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन या फिर फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइटम है वो है बोआ। ये पिंक कलर की फेदर बोआ मैंने लिया है। ये बहुत दिन पहले मैंने परचेस किया था अमेजन से। अगर आपको ये आइटम नहीं मिल रहा है, तो इसके बिना भी आप बहुत ही सुंदर सा कैनोपी बना सकते हो, लेकिन इसको ऐड करने के बाद ना कैनोपी के जो लुक्स है अमेजिंग आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको यूज करने की। जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किया है ऑनलाइन से, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर चेक कीजिएगा। लास्ट आपको लगेगा सीजर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो हुला हूप है ये आप कहीं से भी डिटैच कर सकते हो। तो मैंने एक साइड को खोल लिया है और अभी मैं क्या करूंगी, जो उल्स मेरे पास है उससे मैं पूरे जो हुला हूप है उसको मैं कवर कर लूंगी। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कवर करने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको कवर करना है। अगर आप कवर नहीं करना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप स्प्रे कलर भी यूज कर सकते हो। तो मेरे पास स्प्रे कलर्स अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने उल्स को ही यूज किया है इसको कवर करने में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो होला होप्स है वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा उल्स नहीं था। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो अपने फैब्रिक लिया है उसका जो एजेस है ना, उसको फोल्ड करके आपको स्टिच कर लेना है, या फिर ग्लू गन से आपको ये अटैच करना है। आप देख पा रहे हो वीडियो में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ताकि ये जो होला होप है उसमें आप आसानी से पहना सके। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, मैंने 2 फैब्रिक्स में होल बना लिया था और उसको मैंने हुला हुप के अंदर डाल दिया और अटैच कर लिया है हुला हुप को। अभी मैं
हाथ से ही इसको सेपरेट कर रही हूँ और पूरे जो फैब्रिक है उसको इक्वल पार्ट में सेपरेट कर रही हूँ ताकि ये पूरे हुला हूप में अच्छे से फैल जाए। अभी मैं क्या करूँगी, जो हुला हूप है उसमें ये बोआ को मैं अटैच करूँगी। आप चाहे तो ग्लू गन के हेल्प से अटैच कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सुई धागा से इसको अटैच किया है। तो जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको अटैच करना है। सुई धागा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आप ग्लू गन से अटैच कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो मैंने ये बोआ जो है पूरे हुला हूप में अटैच कर लिया है ऊपर की पार्ट में। सो यस गाइस, कैनेपी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है बनके। अभी इसको हैंग करने के लिए मैं कैनेपी की चारों तरफ उल की हेल्प से इसका एक क्या कहते हैं इसको, मतलब हैंग करने के लिए मैं इसको बांध लूँगी ताकि ये आसानी से मैं हैंग कर पाऊँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। मैंने सीलिंग में ये हैंग कर दिया है, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी गाइस, ये मैंने टैसल्स जो बनाई थी उसको मैं जो कैनेपी की दो साइड है उसमें अटैच कर दूंगी। मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ, आप ग्लू गन से भी इसको अटैच कर सकते हो, वो बहुत ही ईजी होगा। तो ये मैंने चार एक साइड पे मैंने लगाया और चार और एक साइड पे मैंने लगाया जैसे कि आप देख पा रहे हो, और लास्ट पे मैंने ऐड किया है फेरी लाइट्स और ये है फाइनल लुक गाइस। प्रीटी लगता है गाइस, रूम की जो लुक्स है पूरा चेंज कर देता है। मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने पिंक थीम में मैंने इसको बनाया है। आपको जो कलर पसंद है आप उसी थीम पे बना सकते हो, किसी कॉर्नर को भी इससे आप सजा सकते हो रूम की। अगर साइड पे आप कोई भी सोफ़ा ऐड किया है वहाँ पर भी आप इसको बना के सजा सकते हो, या फिर बेड के ऊपर मेरी तरह इसको लगा सकते हो, तो बहुत ही प्रिटी लगता है दिखने में। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर सकते हैं नीचे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इसके बाद ऐसे टाइप की मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय।